नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के बदलते मौसम के मिजाज के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी पटना समेत ज्यादातर जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पिछले एक सप्ताह से पछुआ हवा चल रही है। कुछ दिनों की बात करें तो अचानक से पछुआ हवा की गति में तेजी आ गई है, जिससे कई जिलों में अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना समेत बिहार के 20 जिलों में शनिवार और रविवार को गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी की स्थिति बनने के आसार हैं। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश की तीव्रता बहुत तेज नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो प्री मानसून सीजन में थंडर स्ट्रॉम की स्थिति बनना सामान्य प्रक्रिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में बारिश के बाद शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट की बात कही जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि पूर्वी बांग्लादेश की ओर से चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश की ओर से बने मौसमी सिस्टम की वजह से बिहार में आंधी पानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश के चक्रवात के कारण बिहार में बड़ी मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण सूबे के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और पूर्णिया जिलों में गरज के साथ तड़क के साथ बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं इन जिलों में 1-2 जगहों पर शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक आंधी पानी के आसार भी है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही लोगों को सचेत रहने की भी बात कही है। इधर मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 22 से 23 मार्च तक भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की भी बात कही गई है। विभाग ने यह भी बताया है कि मैदानी इलाकों में 21 से 24 मार्च तक हल्की बारिश हो सकती है। अगर प्रदेश में तेज बारिश होती है तो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि रबी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बताया तो यह भी गया है कि आंधी और तेज बारिश होने से आम की फसलों को नुकसान हो सकता है। बताया जा रहा है कि अगर हल्की बारिश होती है तो पेड़ पौधों के लिए भी यह फायदेमंद होगा। राजधानी पटना के तापमान की अगर हम बात करें तो शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।